हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फ़ा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस का टोटल 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से 3 दिन जो है 30-30 क्वेश्चन करके 90 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज जो होगा चौथा दिन होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन साइंस का देखेंगे और ये फिजिक्स का सेशन है। अगर आपने उन वीडियो पहले वाले 3 सेशन को नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज जो करने जा रहे हैं वो साइंस का 30 क्वेश्चन होगा फिजिक्स का। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर दीजिए, चालन, संवहन, विकिरण और प्रकीर्णन। हम जो है क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ऑप्शन पढ़ेंगे। इसी बीच जो है इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना और बाद में कमेंट में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालन। आणविक संचलन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होगा उसे बोलते हैं चालन। जैसे फिगर से इसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसे और थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लोहा का जो स्टैंड पकड़ा हुआ है, तो इसमें जो है चालन हमेशा ठोस में होता है, और ये जो लोहा का स्टैंड पकड़ा हुआ है तो इसमें अणु होता है, और अणु के जो संचरण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होगा उसे चालन बोलेंगे। और यहाँ पे पानी के कण ऊपर से नीचे होने के कारण जो ऊष्मा का उत्पन्न होगा यहाँ पे उसे संवहन बोलेंगे, और जो ये आपको गर्मी का एहसास होता है इसे बोलते हैं विकिरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके हाथ में। बस आपसे इतना अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो देखिए और पसंद आता है तो ज़रूर दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीष्म काल में हम सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, ये एक परंपरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग किया जाता है? आपको बताना है क्रायोजेनिक्स का प्रयोग किस में किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, शल्यक्रम, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं दूरमिति में, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। और क्रायोजेनिक्स क्या होता है? क्रायोजेनिक्स अत्यंत निम्न ताप का इसमें अध्ययन करते हैं। क्रायोजेनिक्स ईंधन अगर पूछेगा, क्रायोजेनिक्स ईंधन जो उदाहरण होगा, क्रायोजेनिक्स ईंधन का जो प्रयोग करते हैं वो रॉकेट या अंतरिक्ष यान में करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी की कमी होती है, तापमान ऊँचा रहता है, आकाश सफ़ेद साफ नहीं होता है। इसका क्या जवाब होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बताइए वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वापतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन क्या होता है? जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं, और जब कोई द्रव जो है वाष्प में बदलता है, जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसे वाष्पीकरण और हिमीकरण बोलते हैं। जब कोई द्रव ठोस में बदलता है, जैसे पानी बर्फ में जमना, तो उसे हिमीकरण, और पिघलना तो आप जानते ही हैं, जैसे द्रव जो है बर्फ जो है ठोस जो है द्रव में बदलना ही पिघलना कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना को आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित ना होना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को किसी द्रव के उसके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो उसे उबल, क्वथनांक मतलब जो है उबलने बिंदु से पूर्व जो है वाष्प में बदल जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम, क्योंकि पहाड़ों पर जो है दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है वहाँ पानी जल्दी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा को समझने का प्रयास करते हैं। गुप्त ऊष्मा उसे बोलते हैं जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने में जो ऊष्मा लगता है उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मान के चलिए एक बर्तन में यहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है, और फिर यही बर्तन में यहाँ पे हीट दिए, तो ये बर्तन में जो है बर्फ़ जो है लिक्विड बन गया, और इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो है यहाँ देखिए बर्फ़ जो है वो अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठोस से लिक्विड बन गया, और तापमान दोनों का एक है। तो ये जो ऊष्मा लगा पहले सीधे तो गर्म नहीं होने लगता पानी, पहले आप जब गर्म कीजिएगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ से जीरो सॉलिड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद धीरे धीरे गर्म होगा और हीट दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आएगा कि इसका अवस्था में परिवर्तन कर दिया, सॉलिड से सीधे लिक्विड में बदल दिया इसको, तो जो है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, जो ये ऊष्मा लगा अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा लगा इसे है गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो ये भाप जो है उड़ने लगा भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पे जो ऊष्मा का मान होगा वो इसे ही गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जो ऊष्मा तापमान में कोई नहीं लेकिन ये गैस बदल गया सॉलिड से, सॉरी लिक्विड से आप इसे गैस के रूप में बदल दिया, तो इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। इसको जो बदलने में जो ऊष्मा लगता है इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और ये जो भाप के लिए ऊष्मा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 2260 जूल पर केजी होता है, और इसका गुप्त ऊष्मा का मान मात्रक होता है जूल पर केजी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा गति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है, इस सवाल का जवाब दीजिए। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या बोला था, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, अर्थात ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, और ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि केवल इसे एक रूप से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का बोलता है कि और ऊष्मा ऊष्मा गति का प्रथम नियम बोलता है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण का जो है नियम को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, कल बताए थे बहुत अच्छी तरह से। अनुप्रस्थ तरंग उसे बोलते हैं जब माध्यम के कण जो है लंबवत कंपन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, और जब माध्यम के कण पैरेलल जो है ये समांतर जो है कंपन करते हैं तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग युग कण के दोनों के समान, तरंग युग कण के समान नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग युग कण के समान। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की गति होती है, आपको बताना है प्रकाश की गति होती है 9 × 10^2 मीटर पर सेकंड, 3 × 10^11 मीटर पर सेकंड, 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड, 2 × 10^14 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। मान के चलिए ये सूर्य है और ये जो है चंद्रमा, ये पृथ्वी है, तो ये अर्थ को पी से, अर्थ को जो है ई से, मून को एम से, और जो है सन को एस से सूचित कर देते हैं। तो यहाँ से सूर्य से जो प्रकाश आएगा तो इस तरह से आएगा, तो ये वाला जो चंद्रमा का भाग है ये वाला अंधेरा हो जाएगा। सूर्य ग्रहण जो होगा ये चंद्रमा के कारण जो है ये वाला भाग जो है हम लोग नहीं देख पाएंगे, ये अंधेरा हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये चंद्रमा आ जाएगा हम लोग के सामने तो जो है सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते, तो इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे। चंद्र ग्रहण घटित होता है,
तो चंद्र ग्रहण घटी होता अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद के दिन या अमावस्या पूर्णिमा के दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। और चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये सन है, ये सन है, इसमें जो होता है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी भी आ जाता है। ये पृथ्वी है, ये सन है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा सॉरी एम है, एम चंद्रमा पृथ्वी सॉरी चंद्रमा मून। तो है जो है पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। इसमें चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आएगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पृथ्वी पे जाने नहीं देगा, अर्थात पृथ्वी का छाया जो है चंद्रमा पे पड़ेगा, तो चंद्रमा ये वाला भाग अंधेरा हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उचित रीति से कटे हीरे की अवधारणा चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका उच्च अपवर्तनांक सूचकांक है, वो बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105 का बी नंबर, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। परावर्तन, अपवर्तन या परिघटना के आधार पर, परावर्तन परागमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन विवर्तन एवं परागमन की परिघटना पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 106 का ए नंबर, परावर्तन एवं अपवर्तन के परिघटना के आधार पर। जब इंद्रधनुष का जो रंग दिखाई देगा इंद्रधनुष के जैसा जो है सीडी में आप देखिएगा, तो वो जो है वो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण है दिखाई देता है। बहुत से रंग जो इंद्रधनुष के सात रंग की तरह दिखाई देता है सीडी में। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये जो है अपवर्तन के कारण होता है। ये जो है बहुत अच्छी तरह से जो है एनसीईआरटी का जब अपवर्तन चैप्टर करा रहे थे, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन बहुत अच्छी तरह से समझाएं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तित कोण कितना होगा? तो ये भी बता चुके थे कि जैसे ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होगा, यहाँ से अभिलंब डालेंगे तो ये जो एंगल होगा कोण आई, ये कोण आर के बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। तो ये जो 60 डिग्री कोण एंगल जो है 60 डिग्री से आपतित हो रही है, तो अपवर्तित कोण भी जो है कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आर होता है। तो यहाँ पर जो है कोण आई बराबर कोण आर, तो यहाँ पे भी जो है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोण 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में अपवर्तनांक सूचकांक है, सूचक है। तो हम जैसे स्नेल का नियम बताया था कि आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर जो है, साइन आर जो है एक नियतांक होता है और इसी को अपवर्तनांक बोलते हैं। तो यहाँ पे रखिएगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू एक और साइन आर का 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो, दो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है इस, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को जो है बाद में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो इसका सही आंसर बताइए 0 डिग्री, थीटा या थीटा बाई टू या 2 थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 थीटा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब कोई पदार्थ सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाएगा। तो कांच के लिए यहाँ हीरा जो है सघन माध्यम है, तो यहाँ जल के लिए वायु जो है ये विरल माध्यम है वायु, इसीलिए यहाँ नहीं होगा। यहाँ भी कांच जो है जल के लिए विरल माध्यम है और यहाँ भी वायु से कांच में जाएगा, यानी विरल से सघन हो गया। जल के लिए कांच भी विरल से सघन हो गया, वायु से जल के लिए भी विरल से सघन हो गया, लेकिन हीरा जो है सघन से विरल हो गया। तो सघन से विरल में जाता है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा से कांच। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृग तिरसिना या मिरेज का उदाहरण है, आपको बताना है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, वैतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इंद्रधनुष के कारण होता है, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। आपको बताना है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन या अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन या अपवर्तन, दोनों के कारण जो है इंद्रधनुष का रंग होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब एक सरल भाषा में समझे तो ये फैलाव होता है, प्रकाश का फैलाव। याद रखिए प्रकाश का फैलाव, नीला रंग का फैलाव अधिक होता है। प्रकाश जब वायुमंडलीय कण से टकराता है तो जो है नीला रंग का फैलाव अधिक होता है, स्कैटरिंग अधिक होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला रंग दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव, याद रखिए, जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण के कारण है, तो वायुमंडल में जो प्रकाश विसरण होता है, चारों तरफ जो वायुमंडल में प्रकाश फैलाव फैलाव विसरण होता है, तो वो उसका क्या कारण है बताना आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जल वाष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूलकण। धूलकण के वजह से ही प्रकाश का जो है विसरण चारों तरफ होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी का अभी जब बताया कि जैसे सबसे प्रकीर्णन लाल रंग का कम होता है, इसीलिए जो है लाल रंग जल्दी फैलता नहीं है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है ट्रैफिक वगैरह में करते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? अधिक गहराई के कारण, आकाश परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो याद रखिएगा इसका भी वही आंसर हो जाएगा, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आपको बताना है बहुलित, बहुलित परावर्तन और वैतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन एवं परिक्षेपण, ध्रुवन एवं वैतिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन एवं वैतिकरण। इसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा, ये पतले झाग में आप देखे होंगे चमकदार जो है रंग जो होता है, रंग उसमें चार तीन चार कलर जो है आपको दिखेगा, तो ये जो है बहुलित परावर्तन एवं वैतिकरण। इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा परावर्तन या वैतिकरण, तो वो सही हो जाएगा। बस आज भर इतना ही था। अगर पसंद आए वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।